उत्तर प्रदेश की सरकार योगी की सरकार ने 5 साल में जिस तरीके का काम करना चाहता उस तरीके से काम नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री से हैं जी, यही आएंगे भी और यही रहेंगे भी। हम लोग धरना देंगे दिल्ली में बैठ करके, तो जी वो गाड़ी फूंगे सरकार की और वहाँ का वातावरण खराब करेंगे, तो महंगाई को तो हम झेलेंगे। मोदी और योगी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। आर्थिक स्थिति जिस लाइन से मैं काम करता हूँ, मुझे उससे थोड़ा सा दुख है। उन ऐसे बनाने चाहिए जो सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए, ऐसे नहीं कि लोगों को भूखे मार दिए जाए। गरीब आदमी के लिए सबसे बढ़िया है जी। हाँ, क्या क्या मिल रहा है हमारे बहन बेटी जो अभी है, सही सबसे सलामत है, मैं और कुछ नहीं चाहिए। वोट देंगे तो नौकरियां का भी उन्होंने वादा किया हुआ है। नाराज किसी से नहीं, अकेले से आऊंगा। जितनी गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। सपा से अच्छी आज सुरक्षा है बीजेपी में दिखाई दे रही है। हमारी बहन आज सुरक्षित है, जो सपा में गुंडागर्दी थी आज वो सब खत्म हो चुकी है। सरकार में कौन से हम डीएसपी लग रहे थे, एसपी लगे हुए थे, तब भी हम मजदूरी कर रहे थे, आज ही मजदूरी कर रहे हैं। लग रहा है आपको बीजेपी आएगी जी? योगी जी के हम ऊपर एक ग्रुप है जी, योगी जी गरीब की मदद करते हैं। वोट मोदी को तो मैं चाहे पर्ची पाड़नी पड़ जाएगी, अखिलेश को नहीं देगा रहेगा। सरकारें बहुत देखी होंगी आपने, योगी या अखिलेश में कौन सही रहेगा मुख्यमंत्री के लिए? इससे बढ़िया है नहीं जी। योगी कैसे हैं? बहुत बेकार हैं। बहुत बढ़िया, तो बेकार ये खुद बेकार है भैया। योगी जी आएंगे फुल बहुमत से आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ जी, मोदी की सरकार रहेगी जी, योगी जी की। हम तो फूल को देंगे जी, बीजेपी जीतेगी। जिससे वाले कोई सुनी नहीं रहा सरकार ने। नहीं जी, जिसका खाया उसका नमक हराम ना करो। योगी सरकार तो जो है, मतलब बाबा जी आएंगे जी, यहाँ पे तो कानून व्यवस्था का राज चल रहा है यहाँ पे। आप ये बताइए, कैलानंद तो पलायन हिंदुओं का हो गया था, ले तो रही आराम से ही, लेकिन जीतेगी मुर्गा का ये। की गाड़ी पे लाल झंडा वो सबसे बड़ा बदमाश, आज जिसके सिर पे केसरिया रंग वो राष्ट्र के संग। बहन भी खुलेआम घूम सके रात को 12-1। दोनों के लिए, हिंदू के लिए नहीं हो तो जब सरकार योगी की। यूपी चुनाव खबर में हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। 10 मार्च को पश्चिमी यूपी में वोटिंग है, कौन जाएगा आगे ये हम आपको बताएंगे। जनता हमारे बीच है, इनसे सीधे संवाद करेंगे, क्या है यूपी चुनाव का मुद्दा और क्या सोच रही है जनता, सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश पाल। दिनेश पाल जी, 10 मार्च को वोटिंग है आपके यहाँ, ये बताइए 5 साल का काम काज पे किसको वोट देंगे आप? जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी की सरकार ने 5 साल में जिस तरीके का काम करना चाहता उस तरीके से काम नहीं हो पाया। दूसरी बात कि 3-3 लॉकडाउन ने जनता को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया 3 लॉकडाउन? तो मजबूरी थी ना, कोरोना था। कोरोना में जिस तरीके से बेरोजगारी और मजदूर तबके को नुकसान हुआ उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई, और महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम सरकार नियंत्रण कर सकती थी, सरकार ने जानबूझकर नियंत्रण नहीं किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने राशन वितरण प्रणाली निःशुल्क करके उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करी जा सकती। ठीक है, आपका मानना है कि उतना आपके अनुसार सरकार ने बेहतर काम नहीं किया, आप यही कह रहे हैं जी। बाकी अगर चुनाव की बात करें जी, तो क्या सरकार बदल देंगे क्या? सरकार तो लगभग निश्चित बदली जाएगी जी। अच्छा, वजह यही है जी। आज बेरोजगारी महंगाई को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मार्शल कास्टों को बढ़ाया और किसी कास्ट को इतना प्रेफर नहीं किया। अति पिछड़े के नाम का वोट ले रहे, लेकिन अति पिछड़े का सबसे ज़्यादा शोषण ये लोग कर रहे। कौन कर रहा है? कौन? भाजपा कर रही है। किसका सपोर्ट करती है भाजपा? भाजपा मार्शल कास्टों को बढ़ा रही। अच्छा। कल का गृहमंत्री अमित शाह का जो बयान है कि जाटों का और बीजेपी का DNA एक है, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? बात कही, जाट नाराज था इसलिए उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। आप भी नाराज होंगे, आपको भी मनाएंगे। नहीं, ऐसा ना, अति पिछड़े पाल सैनी कश्यप मल्ला बिंद निषाद, इन लोगों के लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। जो 17 जातियों के अनुसूचित जाति में, आपके अनुसार कौन करेगा आपके लिए? हमारे लिए तो जो भी हमारी करेगा हम उसकी करेंगे। आपसे बात, क्या नाम है? ब्रजमोहन। सही कह रहे हैं क्या? देखो जी, ये तो सही कह रहे हैं, वो तो बात ठीक है जी। ये महंगाई तो सबके साथ में है, इस बात नहीं। मुख्यमंत्री कैसे हैं, काम काज कर रहे हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री सही हैं जी, यही आएंगे भी और यही रहेंगे भी। अच्छा। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जाट या वो, ये तो सबके लिए हैं। आरक्षण तो गरीब को मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए गरीब कोई भी जाति का हो। आपके कहना है आरक्षण रोज गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर। हाँ जी, गरीबी के आधार पर।
बाकी आप बताइए, चुनाव जैसे आ गया है जी, क्या रुझान चल रहा है? ये तो कह रहे हैं सरकार बदल देंगे। देखो जी, ये सरकार नहीं बदल देंगे, सरकार तो ऊपर वाले का आदमी है, सरकार बीजेपी की रहेगी, हमारे योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। अच्छा जी, और जी हम ना तो हिंदू ना मुसलमान, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं देशद्रोही है, हम सब हिंदुस्तान में एक हैं, हिंदू मुसलमानों का भी एक है जी। लेकिन बीजेपी बांटती है क्या? नहीं, बीजेपी नहीं बांटती, अब तक के 10 साल में झगड़ा नहीं हुआ। और जी अखिलेश की सरकार में झगड़ा होता था, कांग्रेस सरकार में झगड़ा होता था, कांग्रेस ने कभी हमें 1 किलो गेहूं नहीं दिया, आज हमारे घरों में राशन है और खाने के लिए भी सबके लिए। आप ये मानते हैं सरकार ने जो राशन फ्री किया इससे गरीब भूखा नहीं है, ये मानते हैं? भूखा नहीं है जी, भूखा नहीं। जब हम लोग धरना देंगे और गाड़ी फूंक, जब हम लोग धरना देंगे दिल्ली में बैठ करके, तो जी वो गाड़ी फूंगे सरकार की और वहाँ का वातावरण खराब करेंगे, तो महंगाई को तो हम झेलेंगे। इतनी सीट दे रहे हैं, मुकाबला खड़ा हो गया? मुकाबला तो खड़ा है जी, खड़ा कह रहा है जी। लेकिन मोदी और योगी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। जनता तो नाराज है भाई साहब, बड़े नहीं नाराज तो होने दो, जनता क्या, जनता नाराज है, लेकिन हो जाएगा। नाराज नहीं हूँ, सीटें से जितने आए उससे मुझे कोई नाराजगिरी नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति, जिस लाइन से मैं काम करता हूँ, मुझे उससे थोड़ा सा दुख है। 3 साल लगता है इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मैं ये बताऊँ आपकी बात, मेरे मोहल्ले के अंदर 300 आदमी हलवाई का काम करते हैं। सरकार ने एक अखबार पे लिखे, ये तो मुझे पता नहीं वो झूठी खबर है क्या है, उस पे वो लिखा हुआ है कि जितने मेहमान बुलाए उससे दुगनी जगह होनी चाहिए। एक कानून बनाया 50 आदमी का बनाया, किसी भी बैंकट हॉल में आज रात की शादी देख रहे हो, रात का कोई पालन नहीं हो रहा, 10 बजे के बाद में लॉकडाउन लग रहा है नहीं लग रहा, उस चीज़ को छोड़ दो आप। मैं कह रहा 50 आदमी की जगह 500 आदमी का प्रोग्राम हो रहा है, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं 500 आदमी हो गए। मैं परसों प्रोग्राम करके आया 23 जनवरी का रुड़की में अभिनंदन पैलेस में, और यहाँ पे भी मैं आपको बात करा दूँ 5 फरवरी का मेरा प्रोग्राम है, 1000 आदमी होगा। कहाँ कानून हो रहा है बताओ, कैसा कानून कर रहे हैं? हाँ, जाने 200-300 लोगों का प्रोग्राम, कानून ऐसे बनाने चाहिए जो सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए, ऐसे नहीं कि लोगों को भुक्के मार दिए जाए। मैं अपनी बात बता रहा, मेरे साथ 50 लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पे पूरा पार्टनर भारी हो रहा है। जब वे मेरे पास काम करते हैं तो मैं ही उन्हें सब कुछ सोचूंगा, मैं उनके बारे में। समस्या है कि वो दूर होनी चाहिए। हाँ, मेरी जो समस्या है, मेरी सिर्फ यही समस्या है, बड़े पैमाने पे हलवाई का काम चलता है। इसके लिए मिठाई बनाएंगे? मैं तो मिठाई बीजेपी के लिए बनाऊंगा, योगी के, मोदी के लिए। मैं उससे परेशान नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके फैसलों से परेशान हूँ। मैं सिर्फ ये फैसले बदलने चाहिए आप लोग, यही बदलने चाहिए, हमारे काम में थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए, और कोई बात नहीं है। सरकार को 3 साल से वोट दे, 3 बार वोट दे चुका मैं, मैंने आज तक ना तो उसका राशन लिया, मैं अपना बताऊं, जब से मेरी शादी हुई मुझे उस चीज़ से कोई फैसला नहीं, वो कैसा भी फैसला कर रही है, लेकिन मुझे सिर्फ यही फैसला है कि भाई आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए। सुनार की दुकान वो साय से चलेगी, हलवाई की दुकान वो साय से चलेगी, कपड़े वाले की, बर्तन वाले की, फर्नीचर की, सबकी उससे चलेगी। अब उनके बैंड वाले लोग ऐसे होते हैं जो 5-5 लाख रुपये दे रहे हैं, पहले एडवांस 5 लाख रुपये। सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो कमल के फूल की आनी चाहिए जी। कमल के फूल क्यों भाई? यही सरकार भी रही है तो परेशान है। सरकार बढ़िया है, कौन खराब पैसा है? गरीब आदमी के जीवन में कुछ परिवर्तन आया योगी सरकार? गरीब आदमी के लिए सबसे बढ़िया है जी। हाँ, क्या क्या मिल रहा है? हमारे बहन बेटी जो अभी है सही, सबसे सलामत है, मैं और कुछ नहीं चाहिए, अन्य कुछ नहीं है जी। 5 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाए तब भी? महंगाई तो सारी सरकारों में आ गई, ऐसी कौन सी सरकार है जिनने महंगाई कम करी? हाँ, पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो गया मान लो, मोदी जी आपकी बात मान लिए तब भी वोट देंगे भाई? हम तो कमल के फूल को देखते आए, कमल के फूल पे जाएगी। आज लोग कोई सरकार सही नहीं आई, ये सरकार सही आई, इस सरकार को हटाना चाह रहे लोग, ये सरकार इससे कोई बढ़िया सरकार नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार सारा अच्छा कार्य कर रहा है। ये गरीब यार युवा तो परेशान है, नौकरियाँ नहीं मिल रही, नौकरियों के लिए परेशान है, तो लोग आपके वोट देंगे तो नौकरियों का भी उन्होंने वादा किया हुआ है। कामकाज कैसा रहा है? अच्छा है, सब अच्छा है। विश्वास है या अखिलेश आएंगे? विश्वास है, पूरा विश्वास है। क्या लगता है आपको? आऊंगे जी। इसको अखिलेश? हाँ अखिलेश। योगी नाराज है? हाँ बिल्कुल पक्का। योगी नाराज है? नहीं नाराज किसी से नहीं, अखिलेश ही आओगे। 5 साल बाद बदल देते हैं क्या? हाँ बदलनी तो पड़ेगी। यूपी चुनाव आ गया, अब क्या रुझान की सरकार की वोट दे? मैं अपनी अगर पर्सनल एक राय दूँ तो अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई योगी सरकार में कि जितनी गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो गई। आज इस चीज़ में एक ये बात है कि जैसे
मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो पहले क्या था कि जैसे रास्ते में ये स्नैचिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो अभी नहीं हो रही है। लूटपाट बिल्कुल नहीं है, ये समझ लीजिए गुंडागर्दी तो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इसकी ठीक है, ये पहली एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने गुंडागर्दी ख़त्म की है, ये बात ज़रूर है। लेकिन इस बार ऐसा है कि 50-50 है, मैं तो 50-50 कहूँगा जी, 50-50 है। बीजेपी अच्छी सरकार है, इसमें हमारी बहन को जो हमारे अत्याचार होते थे आज वो रुक गए हैं, वो जितनी गुंडागर्दी थी कॉलेजों के बाहर वो सब अच्छी बात है जो आज। यही चीज़ बताइए, वोटिंग जब देगी जनता तो क्या सोच के देगी? हिंदुत्व, सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी। देखो ये एक अगर फूल को देख के देगी, देखो महंगाई को देख के तो वो तो आप छोड़ दो, महंगाई से तो हमें चाहे 500 रुपये लीटर तेल हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सुरक्षा सपा से अच्छी आज सुरक्षा है बीजेपी में दिखाई दे रही है। हमारी बहन आज सुरक्षित है जो सपा में गुंडागर्दी थी, आज वो सब खत्म हो चुकी है। आपको लगता है सबसे प्रथम जो बात रहेगी सुरक्षा की रहेगी? सबसे मेन चीज है, मुद्दा सबसे सुरक्षा का, हमारी बहन बेटियों का, माताओं का, ठीक है? नहीं क्या कह रहे हैं, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम करा, राष्ट्र के लिए। अब भाई साहब तो परेशान है, इनके यहाँ 50 लोग आ पाते हैं इनके पास, अजी कौन कहता है 100-100 दिखाऊं, कौन कह रहा मेरे साथ चलो मैं आप 300-300 दिखाऊंगा, ये तो ऐसे नाराज रहेंगे, ये तो मजा ले रहे हैं। कोई अजी सुनो वो, अच्छा ये अपना सुनिए, अखिलेश एक बात सुनो, अखिलेश सरकार में कौन से हम DSP लग रहे थे, SP लगे हुए थे, तब भी हम मजदूरी कर रहे थे, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम कौन सा मजदूरी? मुझे दो बातें हैं, ये अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। राष्ट्र के बाद अपनी समस्याएं हैं क्या? पहले देश है फिर बाद में सब कुछ है, देश में सुरक्षा, सब कुछ सुरक्षा, अगर देश को सुरक्षा तो सब। आपके पश्चिमी यूपी में कैराना में हिंदू पलायन कर रहे थे, सरकार अखिलेश की थी, कोई पाबंदी नहीं, भाग गए तो वो उत्तराखंड बेचारे, अब वो वापस आए हैं, मानते हैं सरकार ने उनको लाने का काम किया? सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है, सबसे अच्छा काम है सरकार का। तो ये जो किसान आंदोलन हुआ है इसका प्रभाव क्या, जाट जो वोटर है ये अखिलेश के साथ चला जाएगा? 90% जाट बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ 90% जाट बीजेपी के, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी के साथ जाएगा जी। अरे भैया आप तो पेट्रोल तो इतना महंगा हो रहा है यार, जनता बेहाल है, पेट्रोल तो सही सस्ता हो रहा है जी, पेट्रोल तो पहले भी इतना ही था, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी, पक्का बीजेपी आएगी जी। योगी जी कैसे हैं CM के तौर पे? योगी जी बहुत बढ़िया जी, सबसे बढ़िया योगी जी हैं, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने जी, योगी तो मुख्यमंत्री जी बनेगा, प्रधानमंत्री बने टाइम में प्रधानमंत्री 100% इतना विश्वास, इतना विश्वास है जी हमें योगी जी पर, इतना विश्वास है। ऐसा क्या विश्वास जीता योगी जी के हम पर? एक गर्व है जी, योगी जी गरीब की मदद करते हैं, कैसे मदद कर रहे हैं? मेरे दरअसल वासन सब दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ देखते हैं, सबको एक साथ लेकर चले, सबका विकास, सबका साथ। 2014 में हमारे मोदी जी ने 2017 के पहले मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल बोला जाता था, अब वो खत्म हो गई सब कुछ, अब कहीं गुंडागर्दी नहीं बिल्कुल भी, सबकी बेटे हम मास कहाँ गए है जी, सब छटवा दे योगी जी ने, कोई नहीं रहा। बाबा का बुलडोजर खतरनाक है क्या? बढ़िया वाला खतरनाक है जी, बढ़िया वाला, गरीब की प्रॉपर्टी कब जाई जाती है, हम अपने खेत में सुबह का कटवा देते हैं सबके सरकार में, और रात को खोलने मिलता है भाई। विपुल बादशाह, ये बताओ सरकार किसकी आनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ की आनी चाहिए, साढ़िया बढ़िया काम कर रखा, रोड जो टूटी हुई थी वो सही करवा दी, बहुत सारी चीजें करवा रखी है सर, अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया है जी, तो टक्कर काफी हो रही है। क्या जी तो रहे हैं, जयंत अखिलेश मिल गए हैं चुनाव में, पता चलेगा वोट कट गया, वोट मोदी को दूंगा, चाहे पर्ची पाड़नी पड़ जाएगी, अखिलेश को नहीं देगा रखा, वोट जाएगी योगी को या साइंकिल को, नहीं जानेंगे, नहीं पर्ची फाड़नी मंजूर है, जाएगी योगी को, ऐसी बात है। हाँ जी ऐसी है, अखिलेश से नाराजगी क्यों है? क्यों, वो काम क्या करे उनने? एक काम बता दो जी, तमी गुंडागर्दी कर दी, सारी मारी सारी गुंडा उंडा कर दी, चल रही उनकी तारीख में हमारी माँ बहन खुले हम घूम रही, रात को 1 बजे भी चले जाएगी तो हमारी माँ बहन के साथ एकदम, कोई यही आ जाता छेड़ा छाड़ी हो रही थी दादा। हाँ जी, राम राम, क्या नाम है? भरत सिंह। अच्छा ये बताइए, आप सरकारें बहुत देखी होंगी, सरकारें बहुत देखी होंगी आपने, योगी या अखिलेश में कौन सही रहेगा मुख्यमंत्री के लिए? इससे बढ़िया है ने जी, योगी से। हाँ जी, ऐसा क्या कर रहे हैं? ऐसा ही हो, जो भी काम करना जो आज तक किसी ने नहीं करा वो इसने कर दिया, 2 साल हो लिए राशन फ्री में चलता हो, 2 साल हो लिए राशन फ्री में चलता हो,
अच्छा सबके हर चीज काम हर काम कर रहा है जो भी जो विश्वास बना पाए हैं जो काम काज होना चाहिए था वो हो रहा है जमीन पे वो हो रहा है जी। अखिलेश भी तो दम भर रहे हैं जैन से मिल गए हैं क्या लग रहा है? हाँ जी मुकाबला कड़ा होगा एक तरफा होगा ये पूछ रहे हैं जी बीजेपी एक तरफा आएगी या मुकाबला रहेगा? मुकाबला क्या जीतेगी तो बीजेपी ये मुख्यमंत्री के रूप में योगी सही रहेंगे? हाँ जी मान लो योगी नहीं आए तो? नहीं योगी आवेगा जी। अगर योगी नहीं आए क्या माहौल रहेगा? जब देखी जाएगी जब भी मैं अच्छाई बनाऊंगा वैसा योगी अब होगा शादाब। क्या लग रहा है अखिलेश आ रहे हैं कि नहीं? अखिलेश तो देखो ऐसा है चांस है वैसे तो। योगी कैसे हैं? बहुत बेकार हैं देखो बेकार बेकार नहीं बेकार हैं बहुत बढ़िया। इनको पीछे बैठाए हो ये बेकार बोल रहे हैं? बेकार ये खुद बेकार है। हाँ क्यों बेकार है ये तो बताओ। देखो मसला तो ये है कि वो हिंदू मुस्लिम कहते हैं एक तो सबसे पहले। यार ये बताओ 2013 में तो अखिलेश मुख्यमंत्री थे उसके बाद दंगा एक भी नहीं हुआ आपके यहाँ तो योगी हिंदू मुस्लिम कैसे कर देंगे? अच्छा एक बात है भैया योगी जी ने क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया ये बात तो माननी पड़ी। देखो बिल्कुल रेड बात ये है जी योगी जी जो है क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया ठीक है योगी जी। अच्छाई और है कुछ बेहतर कर रहे हैं? हाँ भाई बस ये रोजगार नहीं है इन इसमें योगी जी की सरकार में नौकरी ये मानते हैं ये है। आपको कुछ अच्छा भी दिख रहा है या? हमें तो नहीं दिख रहा भैया योगी जी आएंगे फुल बहुमत से आएंगे कोई रोक नहीं सकता तो पूर्ण रूप से अपना आदमी अपना प्रयास में कमी ना हो पर योगी जी फुल रूप से आवेंगे। केंद्र में भी सरकार उनकी बनेगी हर जगह सरकार उनकी बनेगी। अच्छा क्या है ऐसा क्या कर रहे हैं जमीन पे क्या दिख रहा है? युवा तो नाराज युवा पे लाठियां चल रही है प्रयागराज। एक बात सुनो किसानों के लिए इतना कर दिया कि कोई नहीं कर सकता ठीक है जी 2000 रुपये दे रहे और आपने ये बताओ ठीक है किसान हम भी हैं पैसे डाल ले खाते में जितना भी दे रहे उतना और कोई नहीं दे सकता सबकी लड़कियाँ सेफ हैं। आज के टाइम में अखिलेश सरकार में देखो क्या हालत रही सबकी वो बेटियाँ सेफ नहीं थी ठीक है। आज योगी जी का ये डर है राम मंदिर बनवा दिया इतने साल से ये उन्होंने करा आज तक कोई नहीं कर पाया काम भी राम मंदिर का उनकी सौजन्य से बना हुआ है। अखिलेश तो कह रहे हैं ये सरकार जो है बेरोजगारी फैला रही महंगाई बढ़ा रही हिंदू मुस्लिम कर रहे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रही महंगाई है वो बात ठीक है। मोदी जी महंगाई अगर जो दे रहे आप ये देखो बाईपास पर कितनी जमीनों को मुआवजा 4 गुना मुआवजा बीजेपी सरकार ने दिया है किसानों को जहाँ से हाईवे जा रहा है 4 गुना मुआवजा दिया है कोई सरकार हमें बता दो आजकल 4 गुना मुआवजा कोई सरकार ने दिया हो तो। पहले कहा था 2013 में जब सरकार आई थी उन्होंने हमारे देश को गिरवी कर दिया था 2013 में हमारे देश को गिरवी कर दिया था बिजली के रेट इतने कर दिए थे कि ये हमारे आकर के मोदी जी ने चुकाया उसका बकाया तो यूनिट फ्री देने का वो तो हम बाद में देखेंगे आज तक भी नहीं 300 यूनिट तो 2013 में जब दंगा हुआ था उसके पहले भी हमारी सरकार को क्या बोलते हैं गिरवी का रखा था बिजली का इतना बकाया कर दिया मोदी जी ने आकर चुकाया वो भी पैसा उनका ये बताइए। अगर देखा जाए तो सरकार का ओवरऑल कामकाज जो कामकाज बढ़िया चल रहा है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिक्कत उसे है जिसने अपना इधर उधर से पैसा कमाया कोई प्रॉब्लम नहीं नंबर एक को कमाने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आने का नंबर दो वाले को परेशानी नंबर एक वाले कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने कहा योगी जी और मोदी जी का ये फंडा है ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा इसी सौजन्य से हम उनके साथ में है रहेंगे हमेशा। कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी? बीजेपी की पूर्ण बहुमत से रहेंगे हर बहुमत से रहेंगे उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें निकलेगी जो कोई नहीं रोकता। तारीख यहाँ वोटिंग है हाँ। पश्चिमी यूपी का जो माहौल है तय किया जाएगा राकेश टिकैत जयंत चौधरी बिल्कुल जाटों की राजनीति इधर ज्यादा होती है जाटों की राजनीति है वो बात कोई बात नहीं अगर जो आप देखा जाए एक तरह से अपना सारी पार्टी एक साथ हो गई है हिंदुत्व पार्टी सारी पार्टी एक तरफा योगी जी के साथ है पूर्ण रूप से रहेंगी और हमेशा रहना भी चाहिए। क्या लगता है आप? हाँ जी मोदी की सरकार रहेगी जी योगी जी की। ऐसा क्या है? ऐसा ही है उन्होंने जाया बहुत कुछ कर दिया उनके लिए दिख भी रहा है या बस ऐसे ही? नहीं जो मकान है मकान दे दिए जो गरीबों के मकान नहीं थे मकान भी दे दिए सब कुछ दे दिया मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर रहे हैं राशन दे रहे हो कई कई बार दो बार और क्या चाहिए। सरकार आनी जरूरी है यो सरकार जरूरी आनी चाहिए और यो सरकार रहेगी और अब यो सरकार रहनी चाहिए। हारेंगे नहीं क्या? अरे अखिलेश भी बड़ी भीड़ है उनकी भले कितनी तगड़ी भीड़ हो मगर जो है हम भी पाल समाज से है सारे सारे जो वोट जाए उसे ही देवेंगे। हाँ जी क्या किसी को क्या बनवा रहे हम तो फूल को देंगे जी फूल को क्या कर दिया फूल ने बस बढ़िया कर रखा राशन राशन सब चीज सब फायदा हमें तो खुश है खुश हूँ मैं तो बेरोजगारी बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। हाँ नहीं खुश है हम तो खुश है कमल पे ही बस फिक्स है। हाँ नाम मेरा सलीम लो 500 रुपए क्या नाम है सलीम सलीम नाम है
हाँ। ये तो कहते हैं मुसलमान नाराज है योगी, क्यों नाराज होते है? हम तो नहीं नाराज ना, सब मिल रहा है, सब मिल गया। अच्छा, भेदभाव तो नहीं है? हाँ, कह रहे भेदभाव तो नहीं है। नहीं नहीं, क्यों है, हम तो कमल पे देंगे, हाँ फूल पे देंगे हम तो। ऐसा नहीं, अंदर तो साइकिल दबा दो। क्यों दबावेंगे, जब हमें कोई डर है? डर क्यों, हम तो सीख देंगे जी। आप योगी के साथ है? हाँ, योगी के साथ है, मोदी योगी के साथ है। क्या नाम है? आशीष शर्मा। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल, क्या लग रहा है, किसका लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। कोई विशेष वजह? बीजेपी का नाम है, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं, काम काज कर रही है, काम काज कर रही है, अजी चला रहे जगह चला रहे। अरे कह रहे हैं सरकार किसकी बनवा रहे हो, मोदी की या योगी की? ऐसा सब कुछ करा उन्होंने, बताओ क्या नहीं करा उन्होंने? लोग कह रहे हैं कि रेडी पटरी रिक्शे वाले कोई सुनी नहीं रहा सरकार ने। नहीं जी, जिसका खाया उसका नमक हराम ना करो। आया मतलब क्या खिला दिया आपको? क्या 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 क्या, 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 क्या नहीं खिला दिया, एक महीने में दो बार राशन दे रहे हैं। करते करते भी पूरा नहीं पटा था हमारा, ऐसा था। अब तो आपके अब जो राशन की दिक्कत नहीं हो रही, इससे कुछ परिवर्तन आया लाइफ जिंदगी? ज्यादा आया। एक तो कहीं कुछ ले जाओ रात बेरात को, बेधड़क होकर आ जाएगा, ना लूट मार है ना कुछ नहीं है। हाँ पहले थी, पहले मैं वहाँ गया था, उसमें निंगा सिसोली तरफा 550 रुपये भी छीन लेते मेरे से। छीन लेते? हाँ पैसे पैसे छीन लेते। डर है क्या योगी का? कोई डर नहीं है अब किसी को, हमें हम तो योगी को और मोदी को वोट देंगे। क्या नाम है? मोहम्मद नौशेर। नौशेर, ये बताइए सरकार किसकी बनवा रहे हैं? योगी सरकार। अरे यार योगी योगी क्यों वोट दोगे? योगी को वोट देंगे जी, मेरी बात सुनो भाई साहब। देखो ऐसा है, जब घर को संभाल ले मैं, एक आदमी को 10-15 साल लग जाए, ये तो योगी सरकार है भाई, पूरे देश को समझ लेना टाइम तो लगेगा ही, और हर कोई किसी न किसी में कमी जरूर निकालता है। कहते हैं मुसलमानों की दुश्मन है ये योगी सरकार। कौन कह रहा? विपक्ष कहता है, अखिलेश कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे। ये बताओ, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, दिल की बात बताना। बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में यहाँ दंगे हुए। हाँ बिल्कुल। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जी जी। 17 के बाद योगी मुख्यमंत्री हुई है, एक भी दंगा नहीं हुआ। जी जी जी। आपको कहीं से भी एक मुसलमान मुसलमान है ना, एक मुसलमान एक मुसलमान होने के नाते आपके साथ कोई भेदभाव कभी किया गया? भाई साहब ना मेरे गांव में भेदभाव है, ना हमारे पूरे जिले में भेदभाव है, ठीक है नहीं? अब मेरी बात सुनो तो भाई, शुरू से होता है। ये बताओ, ये मन से बोल रहे हो या ऐसे ही कैमरे पे बोल? यहाँ से अखिलेश 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 क्या भैया, वो तो अपने सब अपने अपने हर कोई जीत के लिए लड़ता है। किसको वोट देते थे? किसको? अभी आप कह रहे हैं योगी को वोट देंगे, इससे पहले किसको देते? ये फर्स्ट नंबर पर वोट डालूंगा, मेरी वोट आती है मेरठ में, ठीक है नहीं? अजी रहने वाले मेरठ का हूँ मैं, अब से पहले मैंने वोट डाली, बाहर ही रहता हूँ सर, बाहर रहता हूँ, वोटिंग के टाइम पर आया नहीं, आपके फर्स्ट नंबर के वोट डालूंगा। पहली बार दोगे, वो भी भाजपा को दो? जी 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 जी। राशन वगैरह आप लोगों को मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, मेरी बात सुनो सर, ये तो मिलता ही है। व्यवस्था वगैरह पहले अच्छी नहीं थी, अब ठीक है? रोड भी, बिजली व्यवस्था भी, सारे काम तैयार हैं। ये हमारे बहुत बड़े व्यापारी, खुश हो सरकार? अरे सरकार से खुश है भाई साहब, ये तो महंगाई सबके लिए, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो राम राम। राम राम जी। राम राम। लग रहा है भाजपा आएंगे, बाबा जाएंगे? नहीं, बाबा आएंगे जी 100%। बहुत ताकतें लग गई उनके खिलाफ, लग जाना तो ना क्या हुआ, हटा के मांगे ऐसा, वो ताकत है जभी तो उनका विरोध हो रहा। हाँ इसलिए तो हो रहा विरोध उनका। तो कह रहे हैं बाबा को हम गोरखपुर भेज देंगे। एक बाबा नहीं, अखिलेश भाई गोरखपुर जाएंगे। ये तो जो है मतलब बाबा जी आएंगे जी, यहाँ पे तो कानून व्यवस्था का राज चल रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है चारों तरफ, जो है व्यापारी सुरक्षित है और क्या चाहिए। सुरक्षित नहीं? नहीं नहीं, अखिलेश के राज में कहाँ सुरक्षित थे, यहाँ पे डर है क्या कि अखिलेश आ गए तो ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं, नहीं अखिलेश आने का नहीं जी, क्या मतलब अखिलेश का, मान लो आ गए बाबा जी, अरे आ गए तो, मान लो अखिलेश आ गए क्या माहौल जाएंगे? नहीं मान लीजिए माहौल क्या होगा? नहीं माहौल तो ये है कि बीजेपी जीत रही है एक तरफा, माहौल कुछ ही नहीं, आएंगे ही नहीं, आएंगे मतलब ही नहीं, कहीं फाइट में नहीं है, हम तो फाइट में नहीं मानते। वो तो कह रहे हैं आपकी हम 403 सीटें बीजेपी को दें, वो अपना खाता खुलवा लियो, जमाने जब्ते हो जाएंगी उनकी जो है, हाँ तो बीजेपी की आएगी, हमारी तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे। हाँ बताइए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल में जानना चाहूंगा, योगी ने 5 साल पूरे किए जी, कैसा लगा कामकाज? दिल बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मन सुबह खुश हो जा, दुकान में बैठे अपने, सुरक्षित माहौल है बिल्कुल। कदी डर है बाबा का? बाबा का डर नहीं, प्यार है। अपराधियों? हाँ अपराधियों में डर है पूरा, मतलब जो नो बदमाशी नो गुंडा कर दी, खुले घूमो कहीं भी बस। मान लीजिए कि जैसे अभी योगी मुख्यमंत्री नहीं होते भाजपा से जी, कोई और होता जी, तो क्या ये माहौल रहता? नहीं रहता, बिल्कुल भी रहता, तो बाबा जी की ताकत है, उनका लड़ है बाबा जी का। और अब की बार बाबा जी के नाम पे वोटिंग गिरेगी क्या? बिल्कुल बाबा जी के नाम पे ही होने सारे काम।
हाँ जो किसान नाराज थे। अजी किसान कौन नाराज है, किसान नहीं गया, हम किसान ही तो है, हम तो प्योर नाराज नहीं, नहीं क्या मतलब 700 लोग मार दिए, एक भी योलो हमारे जो है ये हमारे ये तो बड़े भाई हैं। दोस्तों अभी अमित शाह और तमाम नेता भाजपा के कैराना गए थे, नाई जसदन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उधर जो है मियांदा सिंह लड़ रही हैं। आप ये बताइए कैराना तो पलायन हिंदुओं का हो गया था, तो अभी दोनों हिंदू मुस्लिम आराम से रह रहे हैं वहाँ पे? हाँ ले तो रही आराम से ही, लेकिन जीतते ही मुर्गा का ही वहाँ से ये बीजेपी वहाँ मुस्लिम वोटर ज्यादा कितने ही हो, हिंदू वोटर भी कम नहीं है, देहात सारा हिंदुओं का है। तो क्या लग रहा है कामकाज ठीक रहेगा? बहुत बढ़िया जेन्युइन, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा है आसपास यहाँ पे इस टाइम जैसा माहौल है ऐसा तो आज तक देखा ही नहीं जिंदगी में। बहुत बढ़िया कैराना का माहौल, कैराना का माहौल फिलहाल बहुत बढ़िया है, फिलहाल बहुत बढ़िया माहौल। भेदभाव सबके लिए काम सरकार बिल्कुल सबके लिए कर लिया। सुनो जिसकी गाड़ी पे लाल झंडा वो सबसे बड़ा बदमाश, आज जिसके सिर पर केसरिया रंग वो राष्ट्र के संग, बाकी है समझ गए जी। हमारी माँ बहन भी खुलेआम घूम सके, रात को 12-1-2 बजे कभी भी घूम सके। और अखिलेश की सरकार थी उसमें हमने पेंसिल का फॉर्म भरा, तो उसमें हमें जवाब दिया था ये हम दोनों के लिए, हिंदू के लिए नहीं हो, तो जब वो हिंदू के लिए नहीं तो हिंदू वोट क्यों दें उसे? क्या कहेंगे अजी? मैं तो बीजेपी को ही दूंगा जी वोट। अजी सब कुछ उनके राज में सही हो रहा है इस टाइम, कुछ मिल रहा है राशन सब मिल रहा है। इनसे जानेंगे कि किसको वोट देंगे, किसकी सरकार आनी जरूरी है। क्या नाम है? कृष्ण पाल। ये बताइए किसके लिए बिल रहे हैं? ये बिक्री के लिए बोल रहे हैं। अरे सरकार किसकी बनेंगे? सरकार योगी की। योगी जी? हाँ। क्यों? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं वो, यहाँ मुसलमानों का मोहल्ला था पीछे, बाद में क्या कर रहे थे मुलाजिन को आ लिए, अब बेफिक्र बैठे हम तो यहाँ इत्मीनान से। लूट नहीं कुछ नहीं, बाबा सही है बिल्कुल ओके। रैंडमली हम इनके पास गए और इनको पता चला कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और योगी सरकार को आना जरूरी है। ऐसे ही हम जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और संवाद आप तक पहुँचा रहे हैं चुनावी माहौल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। हम जगह जगह जा रहे हैं और जनता का जो व्यू है आपके सामने रख रहे हैं, आगे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।